पहली बार विधानसभा पहुंचे धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नेहरिया ने सदन में कृषि और बागवानों की समस्या को आवाज दी। इसके साथ ही कांगड़ा जिला में लगातार घट रहे कृषि और बागवानों की स्थिति को गंभीरता से सदन के पटल पर रखा। विधायक रमेश धवाला के प्रस्ताव पर विधायक नेहरिया ने जहां कृषि अधिकारियों के पदों को भरने की मांग उठाई, वहीं प्रोत्साहन के लिए कृषि और किसानों के पक्ष में योजना बनाने की मांग भी की। किसानों को किस तरह से सब्जियों के बारे में बता सके, क्योंकि जब तक किसान ये नहीं देखेगा कि कृषि के माध्यम से आय की भी जो है वो प्रावधान हो सकता है, तब तक वह किसानी की ओर जो है वो आकर्षित नहीं होगा। मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि कृषि विभाग कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए कि हमारे किसान जो है आय के साधन वहां पर खोज सकें, क्योंकि आज धर्मशाला जैसे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग जो है वो जमीन बेच रहे हैं, क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि खेती से उसका जो है जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसके लिए वह दिन प्रतिदिन जितने भी किसान लोग हैं वो खेती बाड़ी छोड़कर जो है अपनी जमीन बेचकर जो है वो पैसा ले रहे हैं, पैसा एकत्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप शिमला की तरफ देखें तो यहां पर सेब की बहुत सारी फसल होती है। वैसे अगर हम लोग कांगड़ा की तरफ देखें तो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा है, चाहे उसमें लीची है, नींबू है, संतरा है, इसके साथ साथ आम भी वहां पर जो है बहुत सारी आम की फसल होती है। परंतु जिस तरह से यहां पर शिमला के किसानों के लिए जो है सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है, एंटी हेलगन्स जो है वहां पर लाई जाती है, नट का प्रावधान किया जाता है, नट को लगाने के लिए जो है वहां पर उसके जो उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी जो है वो सब्सिडी होती है, इस तरह से ऐसा प्रावधान हमारे निचले क्षेत्र में किसी भी तरह से किसान को नहीं दिया जाता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां के लोग जो है सिट्रिक फ्रूट्स में भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो लीची और संतरे का बहुत बड़ा उत्पादन जो है हमारे लोअर जो कांगड़ा का क्षेत्र है वहां पर होता है। अगर वहां के किसानों को भी इस तरह का सब्सिडी का प्रावधान दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के किसान इसमें भी अपना अभिन्न हिस्सा अभिन्न जो है रोल अपना निभा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गंभीर विषय ये आता है कि हमारे जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उसमें अधिकांश सब्जियां जो है वो बाहर से आती हैं, पंजाब के क्षेत्र से आती हैं, और बहुत तरह का केमिकल, बहुत तरह की स्प्रे जो है उन चीजों में यूज होती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है। तो मेरा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि कोई प्राकृतिक खेती के लिए योजना लाई जाए, ताकि प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी हो, जिससे हम लोग स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छी सब्जियां जो है हम अपने घरों के लिए और साथ ही साथ बाजार में जो अच्छी सब्जी जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो हम लोग वहां पर ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि के लिए योजना लाकर जो है वहां पर धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे वहां पर जो अधिकारियों की कमियां हैं उनकी नियुक्तियां की जाएं, ताकि जो है हम लोग किसानों को बता सकें कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीजों के ऊपर योजनाएं लेकर आ रही है, और इन योजनाओं को खेती के लिए योजना लाई जाए, ताकि प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी हो, जिससे हम लोग स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छी सब्जियां जो है हम अपने घरों के लिए और साथ ही साथ बाजार में जो अच्छी सब्जी जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो हम लोग वहां पर ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि के लिए योजना लाकर जो है वहां पर धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे वहां पर जो अधिकारियों की कमियां हैं उनकी नियुक्तियां की जाएं, ताकि जो है हम लोग किसानों को बता सकें कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीजों के ऊपर योजनाएं लेकर आ रही है और इन योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। लंबे अंतराल के बाद सदन के अंदर निचले इलाके के किसी सदस्य ने किसानों और बागवानों के मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विशाल नेहरिया पहली बार विधायक बने हैं। अमूमन पहली दफा सदस्य बनने वाले विधायक लंबे वक्त तक विधानसभा के अंदर के चीजों को समझने में काफी वक्त लगाते हैं। जनता ने यह भी देखा होगा कि नए सदस्य ज्यादातर सदन में सीट संभाले नजर आते हैं, लेकिन जिन नेताओं का विजन क्लियर हो,
क्षेत्र और सूबे के लिए काम करने की धारणा हो, वे सदन की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हैं। युवा विधायक विशाल नेहरिया ने सत्र में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने अपने आलोचकों को भी संदेश दिया है कि उनका राजनीतिक सफर एक टर्म तक सीमित नहीं रहने वाला। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।